हेलो दोस्तों, आज हमारे चैनल में आपका स्वागत। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अश्विन धाकड़ अमर डेयरी फार्म 315 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डेयरी फार्म के सेटअप के बारे में बात करने वाले हैं। डेयरी फार्म का सेटअप अपन बहुत टाइप के बना सकते हैं। नॉर्मली अरे कहना क्या चाहते हो, दो प्रकार के सेटअप बहुत ज्यादा चलते हैं, एक तो आरसीसी वाला और एक चद्दर सेट वाला। और उसमें भी यानी कि अपने ऊपर रहता है कि अपन को आरसीसी में किस टाइप का बनाना है और चद्दर सेट में किस टाइप का बनाना है। आरसीसी में अपन डिजिटल तरीके से बना सकते हैं, जिसके अंदर पानी का ऑटोमेटिक सिस्टम। तू साला बोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार सिस्टम रहने वाला है। और दो दो या तीन दिन का खाने का सिस्टम रहेगा उसके अंदर। और चद्दर सेट की बात करें तो उसके अंदर अपन ओपन डेयरी फार्म बना सकते हैं, जिसके अंदर गायों को यानी कि गायों घूमती रहेगी और उनका मन होगा तब खाएगी और उनका मन होगा तब पानी पी लेगी। बात तो सही है। नॉर्मली आरसीसी में आपका खर्च बहुत ज़्यादा आएगा और यह एक बार का इन्वेस्टमेंट रहेगा, फिर आपको फ्यूचर में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और चद्दर सेट की बात की जाए तो चद्दर सेट में आपको अगर ओपन रहा पूरी तरीके से तो उसके अंदर प्रॉब्लम कम आएगी, और अगर पैक रखोगे तो आपको 4 या 5 साल में उसके यानी कि चद्दरों को चेंज करने का नौबत आ सकती है। नो गॉड प्लीज नो नो नो। और भी यानी कि चद्दर सेट में अपन को यानी कि टेम्परेचर का चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी अधिक जानकारी के लिए हमें कमेंट करें कि आपको किस टाइप के डेयरी फार्म्स के रिलेटेड वीडियोस चाहिए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।